फाइनली गाइस हमारा आज फोटो ब्लॉगिंग सेटअप कंप्लीट हो चुका है। भाई पता है गाइस, लाइफ में मैंने एक चीज सीखा है कि अगर ब्लॉगिंग करना है ना तो आपके ऊपर एक जज्बा होना चाहिए, और हमारे अंदर ये जज्बा फूट फूट कर है भाई। भाई वाला ब्लॉग का माय फर्स्ट फोटो ब्लॉग की जर्नी आज से शुरू हो चुकी है गाइस। सोलन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। फाइनली गाइस आज हमारा आ चुका है मोटो ब्लॉगिंग किट्स। मैंने सोचा नहीं थी कि भाई इतनी जल्दी आ जाएगा, दो ही दिन में आ गया, और मैंने इस चक्कर में अब तक हेलमेट ही बाय नहीं किया। सो अभी इसे अनबॉक्स करते और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ दिया गया, उसके बाद फिर अभी जाकर कोई अच्छा सा बढ़िया सा हेलमेट परचेज करते, उसके बाद फिर हम लोग मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। चलो देखते हैं क्या दिया गया है इसके अंदर। खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्या हमें देखने को मिलता है। तो ये दो किट्स हमें दिए गए इस बॉक्स के अंदर मोटो ब्लॉगिंग को लेकर। पहला ये है फोन माउंटर, जिसमें आपका फोन माउंट होगा, और दूसरा ये है हेलमेट माउंटर। इस तरीके से ये माउंट होगा और यहाँ पर ये चीज माउंट होगा, इसके बाद फिर अपने फोन को माउंट करो एंड देन मोटो ब्लॉगिंग शुरू करो। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे पास आ चुके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा हेलमेट है। तो चलिए कोई अच्छा सा स्पोर्टी वाला लुक वाला हेलमेट देखते उसे बाय करके आते हैं। चलो मैं और अरमान हम लोग घर से निकल चुके हैं न्यू हेलमेट के लिए, तो डायरेक्ट चलते हेलमेट शॉप और वहां पे जाके नया हेलमेट लेते हैं। ये जो हेलमेट आप लोग देख रहे हो ना गाइस, ये हेलमेट में ना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है राइड करने का, क्योंकि जैसे अगर मैं थोड़ा सा 50 ऊपर जाता हूँ ना तो हेलमेट पीछे चला जाता है। और मुझे मोटो ब्लॉगिंग करना है तो यहाँ पे कहाँ पे लगाऊं, अपने दाढ़ी पे लगा लूँ माउंटर, इसलिए वो हेलमेट लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलो फाइनली गाइस हेलमेट शॉप में आकर हमें एक हेलमेट पसंद आया और इसे हम लोग डन भी कर दिए। ये देखो ये जो हेलमेट है ना, ये बाइक के साथ बिल्कुल भी मैच कर रहा है, ग्लोसी ब्लैक है, सो ये वाला हम लोग डन कर दिए। तो मोटो ब्लॉगिंग का तो गाइस सारा सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, हेलमेट भी ले लिया आज जाकर, और कल तो माउंटर वगैरह आ ही चुका था। सिर्फ एक काम बच चुका है, अपने बैग में पहाड़ी वाला का लोगो लगाना, सो वो भी काम आज हम लोग करवा ही लेते हैं, क्योंकि ये गाड़ी अगर कहीं पे भी खड़ा रहेगा ना अपना बैग तो लगेगा कि हाँ भाई किसी यूट्यूबर का बैग है, पहाड़ी वाला ब्लॉग्स का बैग है। वो ये साइड तो लग चुका है, अब उस साइड बस लग रहा है। फाइनली गाइस ये भी काम आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, दोनों तरफ पहाड़ी वाला ब्लॉक्स का लोगो लग चुका है। और आप लोग बताना कि ये टेक्स आपको कैसा लगा, मुझे तो भाई बहुत तबाही लग रहा है। सो चलो गाइस अब हम लोग सेटअप करते हैं अपनी मोटो ब्लॉगिंग किट्स को, एक एक करके मैंने सारा ऐसी सीरीज ले लिया। सबसे ज्यादा महंगा मुझे अपना हेलमेट पड़ा है भाई, क्या ही प्राइस भाग गया हेलमेट का, बट फिर भी ये भी ले लिया है। तो चलो अब जितने भी ऐसे सीरीज है ना सभी को असेंबल करते, पहले चाहिए हेलमेट, दूसरा ईयरफोन, तीसरा हेलमेट माउंटर, एंड चौथा स्मार्टफोन माउंटर, एंड पांचवा अच्छा सा माइक, एंड छठा अगर आपके पास आईफोन है ना तो आपको चाहिए एक लाइटनिंग टू 3.5 mm कनेक्टर। कोई भी एक्सटर्नल माइक ना आईफोन के साथ सही से काम नहीं करता है, सो इसलिए यहाँ पर मैं ईयरफोन को यूज करने वाला। ये जो किट्स आप सभी लोग देख रहे हो ना, ये किट्स हेलमेट के यहाँ पे लगेगा, ये ऐसे चला गया, अब यहाँ पे लगेगा ये मोबाइल माउंटर, कुछ इस टाइप से रहेगा, इसे आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे जैसे भी आप चाहो इसे एडजस्ट कर सकते हो। चलो हेलमेट सेटअप हमारा हो चुका है कंप्लीट, अब बस एयरफोन की वायरिंग की बाकी है। देखो एयरफोन की भी वायरिंग हमने अंदर से कर दी है, सारा जो एयरफोन था ना वो पूरा ये खुलता है, देखो इस टाइप से खुलता है, और सारा एयरफोन का जो वायरिंग है ना वो हमने अंदर कर दिया। ये कनेक्टर यहाँ पे लगाते हैं और फिर आईफोन को माउंट करते हैं एंड देन ट्राई करते हैं। सारा कुछ फिक्स हो चुका है, आप लोग बताना गाइस कि ऑडियो कैसा आ रहा है, और वीडियो देखो आईफोन से ही शूट हो रहा है, और अभी मैं मोटो ब्लॉगिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब घर में ही, ये बस टेस्ट है। ठीक है अभी हम लोग चलेंगे कहीं पे, फिर अच्छे तरीके से मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, और ये चीज़ हिल भी नहीं रहा तो काफ़ी मज़ा आएगा इस टाइप से ब्लॉगिंग करने में। ऐसे गाड़ी चलेगा और इस टाइप से मोटो ब्लॉगिंग होगा। चलो अब आते हैं थोड़ा सा मोटो राइडिंग करके। यहाँ पे पापा है, पापा बोल रहे हैं क्या क्या लगा लिए इसके अंदर, नहीं गिरेगा फ़ोन, पापा डर रहे कि फ़ोन कहीं गिर उड़ ना जाए। मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है बट गिरेगा नहीं, ऐसे लॉक हो जाएगा। तो भाई देखो कतई झकास, कहाँ गए अम्मी, डर गए अम्मी। हाँ देखा ऐसे लगेगा और ऐसे ही मोटो ब्लॉग होगा। मोटो ब्लॉग होगा हम जान रहे, तुम इसको देखेगा तो फिर रास्ता कैसे दिखेगा।
हम इसको कहाँ देख रहे हैं, हमको दिख ही नहीं रहा, ये तो उधर लगा हुआ आराम से, अपना रास्ता देखेंगे, बस आवाज होगा, ये अपना रिकॉर्ड करेगा ही, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है चलो अब आते हैं, थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग करके। यहाँ पे सुहानी देखो झाड़ू वाड़ी दे रही है, अच्छा से दो झाड़ू, चलो अच्छा ले लियो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब गाड़ी निकालते हैं और थोड़ा सा इसे टेस्ट करके आते हैं, एंगल सेट कर लेते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है आते हैं, एक इधर है एक इधर है, देखो अब लोगों का रिएक्शन कैसा आएगा भाई हमारे मोहल्ले में। बस धीरे धीरे पानी आ रहा है, इसे थोड़ा सा गाइस मैनेज करना, लेंस वगैरह में अगर पानी चला जाता है ना तो फिर थोड़ा सा इशू आता है, बाकी अदरवाइज सब कुछ ठीक है। चलो हमारा पहला मोटो ब्लॉगिंग आज से शुरू हो चुका है, और ये हर एक बंदे का सपना होता है कि भाई वो अपने दम पे बाइक ले, फोन ले और सारा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप ले और फिर मोटो ब्लॉगिंग करे, और वो सपना आज मैं जी रहा हूँ अपने से खुद उस सपने को पूरा करके भाई। चलो गाइज मेन रोड पे निकल चुके हैं, इसे पकड़ते हुए हमें डायरेक्ट अभी जाना है धुरवा, उसके बाद फिर वहां से हम लोग चलेंगे स्मार्ट सिटी रांची, जहां पे अभी हमारे रांची को बिल्कुल भी पूरी तरीके से चेंज किया जा रहा है, सारा स्मार्ट सिस्टम वहां पे ऐड किया जा रहा है, वहीं पे जा रहे हैं। और देखो फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया आ रहा है, बस ये बड़े बड़े गाड़ियों से ना बच कर रहना है, और कभी भी जाओ ना बाहर तो अपने माँ बाप का दुआ अपने साथ ले लो, बस फोन गिर ना जाए भाई। रोहित गिरने से ज्यादा हमको पता है किस चीज का डर लग रहा है कि भाई कोई उड़ा ना ले जाए फोन को, जैसे चोर राज टान के ले जाएगा भाई, बस ये चीज का डर लग रहा है भाई, साइकिल वाले तुम वहां घुस रहे हो, जाने दे इसको यार। चलो गाइस फाइनली आपका भाई आज से पहला मोटो ब्लॉग शूट कर रहा, देखो टिकर वाले का क्या रिएक्शन है भाई। आज मैं जो एक एक पल जी रहा हूँ ना वो सपने भरा पल है, क्योंकि मैंने आज से पहले एक सपना देखा था कि काश मेरे पास कोई अच्छा सा बाइक होता और उस पे मैं मोटो ब्लॉगिंग करता, और ये मेरे लिए ना एक मोटिवेशन भरा पल है, क्योंकि देखो कोई भी बंदा सोचता है ना कि अपने दम पर करे, अपने पापा के दम पे तो भाई कोई भी कर सकता है, लेकिन खुद के दम पे जो मजा आता है ना वो अलग होता है भाई। ओ भाई क्या खतरनाक भागती है भाई एमटी, पता नहीं गाइस मैं आज मोटो ब्लॉगिंग कैसा कर रहा हूँ, मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बड़े बड़े जो मोटो ब्लॉगर लोग करते हैं उस तरीके से, मैं मोटो ब्लॉग नहीं दे पा रहूंगा तो उसके लिए सॉरी, बट आज का ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करूँ और थोड़ा सा डिफरेंट वे में आप सभी को ब्लॉग देने का कोशिश करूँ, मोटो ब्लॉग, ताकि आप लोगों को थोड़ा पसंद आए, और आप लोग कुछ सजेशन हो अपना तो कमेंट करके बता सकते हो। और मेरे माइंड में ना एक और थॉट चल रहा है, मेरे रांची के जितने भी लोकल मोटो ब्लॉगर है मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग मिले और एक मोटो राइड पे निकले हम लोग, ताकि हमारा कनेक्शन जो है बन सके और मजा भी आएगा। सो जो भी लोग रांची से बिलोंग करते हैं और मोटो ब्लॉगिंग करते हैं सो मुझे इंस्टाग्राम पे आकर डीएम करें और बोले कि हाँ साथ में मोटो ब्लॉगिंग करना है, तो हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे गाइज और फिर हम लोग साथ में मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। और देखो अभी का मौसम भाई बहुत ही भयंकर वाला चेंज हो चुका है, काफी सुहाना मौसम है, काफी मजा आ रहा है बाइक चलाने में, बस एक चीज का ध्यान रखना है ना कि जज्बात में नहीं खोना है और ज्यादा स्पीड नहीं चलाना है बाइक को, मतलब अपने कंट्रोल के हिसाब से बाइक को दबाना है, ठीक है, और उसी तरीके से मोटो ब्लॉगिंग करना है भाई। देखो मौसम हल्का हल्का पानी आ रहा है यहाँ पे, और अभी हम लोग ब्रिज के ऊपर है, और ब्रिज में बाइक चलाने का जो फील है ना भाई वो मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब कोई मूवी वगैरह शूट हो रहा है, इस टाइप का फील मिलता है। सामने देखो क्या ही मौसम सुहाना है भाई, और अभी एंगल किस तरीके से कैप्चर कर रहा है, क्योंकि अभी ना मैं आईफोन से मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा प्रो बन जाऊंगा ना, अभी तो बिगिनर हूँ, थोड़ा सा प्रो बन जाऊंगा तो पक्का मैं मोटो ब्लॉगिंग का जो प्रोफेशनल गियर्स है जैसे कि गोप्रो हो गया, फिर से राइडिंग सूट हो गया, राइडिंग शूज हो गया, सारा कुछ लूंगा। ऐसे मोटो ब्लॉगर लोग भाई बकबक बकबक करते रहते हैं, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब माइंड में ना कुछ अलग वर्ड्स ही नहीं आ रहा है कि मैं आप सभी को बोलूं। बारिश में राइडिंग करने का बात ही अलग है भाई, देखा कुछ देखा रोहित भाई, हल्का सा मतलब 50 मीटर में भयंकर बारिश और 50 मीटर पहले एकदम बारिश ने, अब पता नहीं आईफोन सरवाइव कर पाएगा कि नहीं इस बारिश में, मुझे ये भी नहीं पता, अब कुछ दिख भी नहीं रहा भाई, इतना भयंकर झटास आ रहा है पानी का। अब हम लोग को कहीं पे ना थोड़ा सा स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर निकलेंगे, गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया, अब उस तरफ चलते हैं भाई बचने के लिए, सारे लोग बच रहे हैं वहाँ पे, सारे लोग देख रहे हैं कि बंदा कौन बंदा आ रहा है, गाड़ी भी भींगे। चलो फिर बारिश छूटेगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। मरने की चालों में मट्टी के प्यालों में, बारिश छूट चुका है, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और अभी मैंने एक चीज नोटिस किया कि हमारा जो एंगल था ना वो थोड़ा सा ऊपर की साइड था, तो अब नीचे किए ताकि ये जो मीटर है ना ये दिखाई दे, तो अभी समझ में आया, तो चलो अब इसे फिक्स किया, अब निकलते हैं यहाँ से। उधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पे
अपने भाई MT-15 बाइक को, ड्रीम बाइक को खड़ा कर दिया और देखो क्या ही घातक दिख रही है भाई। बादल बरजा, पानी बरसाए, नदियां मछली चले चले। बादल बरजा, पानी बरसाए, नदियां मछली चले चले। दिल के ऊपर बरसा पानी, आई बत्तियां हरी हरी। सौ पार नहीं हुआ था। पता है गाइस, ब्लॉगिंग करते करते ना हम लोग अपने घर से करीबन 30 किलोमीटर दूर आ गए भाई। पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। मकसद ये है कि आज अच्छे तरीके से हम लोगों का मोटो ब्लॉग बनना चाहिए। ओ भाई साहब, देखो गाइस क्या सीन आगे का भाई साहब, बिल्कुल भी सन्नाटा है। ओ भाई साहब क्या मजा आया भाई, मजा आ गया। उधर दे भाई, यहाँ पे ये हमारा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारा झारखंड का विधानसभा है। वो क्या ही खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पे, और इस तरफ से ना वो एकदम क्लियर रोड है भाई, सीधा एकदम मस्त। चलो यहाँ पे एक दो सिनेमेटिक सीन लेते हैं गाइस इसके साथ और फिर आपको दिखाते हैं। अभी गाइस हम लोग जिस लोकेशन पे है ना, ये काफी मस्त लोकेशन है और हमारे एरिया का ना ये एक VIP लोकेशन बोल सकते हो। सो यहाँ पे सभी लोग आते हैं फोटो वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। सो हम लोग भी सोचे कि आज मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो इस लोकेशन पे आया जाए और यहाँ से हम लोग अपना मोटो ब्लॉगिंग जर्नी शुरू किया जाए। देखो सामने जो आप लोग देख रहे हो ना, ये है भाई विधानसभा, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। हम तोड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में आ। पता है गाइस, लाइफ में मैंने एक चीज सीखा है कि अगर ब्लॉगिंग करना है ना तो आपके ऊपर एक जज्बा होना चाहिए, क्योंकि जज्बा नहीं रहेगा तो आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे। और हमारे अंदर ये जज्बा कूट कूट कर है भाई। देखो इतना भयंकर वाला बारिश आ रहा है और इस बारिश में गाइस हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए, क्योंकि भाई ब्लॉगिंग इज माई लाइफ, समझ लो कि ये मेरा लाइफ ही है। और आज हम लोग मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बारिश के साथ हम लोग मोटो ब्लॉगिंग की जर्नी को शुरुआत की है। सो इससे बेटर हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखो पूरा भयंकर वाला हम लोग भीग चुके हैं और सीन देखो गाइस आसपास का क्या ही मस्त वाला सीन है। और हमारे साथ रोहित भाई भी है, रोहित भाई बिल्कुल भी मेरे वजह से भीग चुके हैं, बट थैंक यू भाई, लाइफ में ऐसा मौका मिलता नहीं है कि हम लोग चलो भीग के ब्लॉग शूट करते। चलो निकला जाए, इससे ज्यादा नहीं भीग गया। चलो इस बारिश में हम लोग निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि शाम भी बहुत ज्यादा हो गया है और बारिश भी बहुत जोर का आ रहा है। सो चला जाए। भाई वाला ब्लॉग का माय फर्स्ट मोटो ब्लॉग की जर्नी आज से शुरू हो चुकी है गाइस। बस आप सभी लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए और जो भी कमी मैं कर रहा हूँ ना तो उसे आप लोग बताना भाई कि मैं क्या कमी कर रहा हूँ, तो उसे फुलफिल करूंगा मैं। पता नहीं आपको आवाज मेरी आ रही भी होगी या नहीं आ रही होगी, कुछ भी पता नहीं, मेरा हाथ वगैरह जो है ना सारा कुछ काम रहता है, ज्यादा ठंड लग रहा है भाई आज। नहीं गाइस, आज मुझे एक चीज पता चल गया है कि मोटो ब्लॉगिंग नॉट इजी, बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन ना गाइस मजा बहुत है भाई। तो अभी मैं और रोहित एक स्टॉल पे रुके हुए और समोसा खा रहे हैं, क्योंकि ना हम लोग भींग गए ना तो भूख बहुत जोर का लग रहा है। जब कोई लॉजिक वाला बात नहीं, भींगने से भूख लगता है, बट लेकिन भूख बहुत जोर का लग रहा था तो हम लोग यहाँ पे समोसा वाला ब्रेक लिए, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट घर चलते हैं। फाइनली हम लोग मोटो ब्लॉगिंग करके घर आ चुके हैं, अब गाड़ी को अपनी जगह पे रखते हैं, उसके बाद फिर कुछ बात करते एंड देन फिर एंड करते व्लॉग को। फाइनली हम लोग घर आकर गाइस कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए, क्योंकि बारिश में लोग बिल्कुल भी भीग चुके थे, लेकिन सच बताओ मोटो ब्लॉगिंग करने का जो मजा आया ना बता नहीं सकते हो। हाँ हालांकि थोड़ा सा मेहनत है लेकिन मजा बहुत ज्यादा है। सो अब आज के इस ब्लॉग को और एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि जितने भी मोटो ब्लॉगर्स है हमारे एरिया से वो मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टेक्ट करें, हम लोग मिल करके भी मोटो ब्लॉग करेंगे। सो मिलते गाइस अगले इंटरेस्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और जो भी कमी रही होगी ना इस ब्लॉग में तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। अब बाय बाय।